शिवसेना के वरिष्ठ नेता एवं सदस्यता प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश मनोज सैनी द्वारा सर्किट हाउस के एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। शिवसेना की सदस्यता प्रभारी मनोज सैनी ने पत्रकारों को बताया कि 22 सितंबर को रामलीला मैदान मुजफ्फरनगर में एक विराट कार्यकर्ता सम्मेलन कराया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय संगठन के गुलाब चंद दुबे, अशोक तिवारी भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संभल में स्थित प्रसिद्ध हरिहर मंदिर को मुक्त कराने को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के शिव सैनिक शीघ्र कोई नीति बनाकर तिथि घोषित करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के शिवसेना प्रमुख ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में 11 लाख नए शिव सैनिक जोड़े जाएंगे। प्रेस वार्ता के इस मौके पर मुरादाबाद के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, महिला जिला प्रमुख मंजू राठौर, महानगर प्रमुख गुड्डू सैनी एवं अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका, क्या पद है पार्टी में आपका? मनोज सैनी, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में शिवसेना का सदस्यता प्रभारी हूँ। तो क्या वजह है आगमन की आपकी? 22 तारीख में मुजफ्फरनगर में पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें मुंबई से जो हमारे राष्ट्रीय संगठक है गुलाब चंद दुबे जी, अशोक तिवारी जी उस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की जागरूकता के साथ साथ अनेक विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें मुख्य तौर पर देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के खिलाफ कठोर कानून की मांग की जाएगी। इसके अलावा जो संभल जनपद में एक हरिहर महादेव मंदिर है उसको मुक्त कराने की मांग की जाएगी, क्योंकि उसमें कहीं भी हिंदुओं के पूजा पाठ का अधिकार नहीं है। इस विषय में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर जिलों में आंदोलन के साथ साथ शिवसेना के सांसदों से इस मुद्दे को लोकसभा में उठाने के लिए वहां बात की जाएगी। तो क्या कहेंगे यहाँ के कार्यकर्ताओं से? इनके सभी कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वो 22 तारीख में मुजफ्फरनगर में आए और जो केंद्र से निर्देश मिले उसका पालन करें। जाएंगे आप? आज हमारे सदस्यता प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश के माननीय मनोज सैनी जी मुरादाबाद आए हुए और आने का उद्देश्य ये कि 22 तारीख में मुजफ्फरनगर में पश्चिम उत्तर प्रदेश का विराट कार्यकर्ता महासम्मेलन होगा और अधिक से अधिक संख्या में हर जनपद से कार्यकर्ता जाएंगे, मुरादाबाद से भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जाएंगे। और जो हमारा सदस्यता अभियान है, जो माननीय मनोज जी ने हमारे मुरादाबाद में लक्ष्य रखा है सदस्यता अभियान का, उसे भी हम शीघ्र ही पूरा करेंगे।